मुर्दाबाद बिजली विभाग मुर्दाबाद। मथुरा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इसका खामियाना जनता को अब झेलना पड़ रहा है। मथुरा के नई बस्ती इलाके गली नंबर 5 में एक हफ्ता से अधिक बीत जाने के बाद भी लाइट बिजली विभाग के द्वारा ठीक नहीं कराया गया, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि एक हफ्ता से लाइट नहीं आ रही है। इसकी शिकायत हमने कई बार लखनऊ हेल्पलाइन नंबर पर भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी भी दूर से लाना पड़ रहा है। बिल लेने के नाम पर तो लाइट तुरंत काट दी जाती है, लेकिन बिजली ठीक कराने के नाम पर यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। नई बस्ती गली नंबर 5 में करीब एक हफ्ता होने पर आया, लाइट की बहुत समस्या, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। हमने SDO साहब से भी कंप्लेंट करी, JE साहब से भी कंप्लेंट करी, बच्चे स्कूलों से रुके हुए हैं, लाइट है नहीं है, पानी है नहीं है, ये इतनी समस्या आ रही है कि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, समझ लो जयपुर जी। या एक दिन ये मान लो अगर बिल नहीं भरते हैं तो लाइट काट दी जाती है, बंद कर दिया जाता है बिल्कुल मीटर को जी। और यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या कि हमने हेल्पलाइन नकलों भी फ़ोन कर लिया, वो कहते हैं कि वाईफाई नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कृष्णा नगर हमारा ये क्षेत्र है। मैं ताराचंद गोस्वामी, किसान गरीब मजदूर का प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जाहिद भाई और वहाँ के निवासी गण जो नई बस्ती बता रहे हैं गली नंबर 5 में इतनी बड़ी समस्या है कि जब बिल देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कायदा तो ये होता है कि तुरंत सैकड़ों घरों की लाइट है। जब लाइट नहीं जलेगी तो पानी कैसे आएगा, समर कैसे चलेगा, बच्चे छात्र छात्राएं स्कूल कैसे जाएंगे, और भी घर के बहुत से काम हैं, रोटी है, पानी है, नहाना है, धोना है। आजकल तो समर ही ऊपर निर्भर हो चुका है। इसलिए हम बिजली विभाग के अधिकारियों से, कृष्णा नगर के जो भी वहाँ क्षेत्र में JE आते हैं, AE आते हैं, गली नंबर 5 नई बस्ती में जो बिजली ख़राब हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उसको ठीक कराया जाए। वास्तव में इनका कहना है कि जब हम एक दिन हमारा बिल नहीं भरा जाता तो लाइन को काट दिया जाता है, हफ्तों हफ्तों में लाइट नहीं आ रही है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इस प्रकार की लापरवाही बिजली विभाग को नहीं करनी चाहिए, इनकी लाइट को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए।